देखिए, केंद्र की सरकार भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ और आम आदमी पार्टी के साथ जो करना चाहती है वो पूरी दिल्ली समझ चुकी है। मैं भी केजरीवाल कैंपेन के दौरान हम घर घर गए और लगभग दिल्ली के सभी लोगों ने लगभग एक स्वर में कहा कि भाजपा साजिश रच के अरविंद केजरीवाल जी को अगर गिरफ्तार करने की बेवकूफ़ी करती भी है तो अरविंद केजरीवाल जी को इस्तीफा दिए बगैर चाहे जहां लेके जाए केजरीवाल जी को, दिल्ली के सीएम को जिन्हें हमने जनादेश दिया है दिल्ली चलाने का, जहां भी लेके जाए, जेल में, आकाश में, पाताल में, सरकार उन्हें वहीं से चलानी चाहिए। इसको लेकर पूरी दिल्ली एकमत है। इस अभियान के दौरान दो चीजें बड़ी अच्छी हुई। एक तो ये कि भारतीय जनता पार्टी का जो प्रोपेगेंडा का बुलबुला था, जो ये साबित करने की कोशिश भाजपा कर रही थी कि आम आदमी पार्टी भी भाजपा की ही तरह बेईमान है, वो प्रोपेगेंडे का बुलबुला जो है वो फूट गया। और दूसरा, सच्चाई जनता तक पहुंची और जनता ने उस सच्चाई के स्वर के प्रतिस्वर में ये साफ साफ कहा कि नहीं भाई, इस्तीफा नहीं देना है। अब उसी में भी केजरीवाल कैंपेन की जो पूर्णाहुति कह लीजिए, परिणति कह लीजिए, वो पूरी दिल्ली के सभी वार्डों में एक जनसंवाद के माध्यम से होना तय हुआ है। पूरी दिल्ली में हर एक वार्ड में विधायक और पार्षद यदि वहां पे हैं तो वे एक साथ मिलके इस वार्ड के जनसंवाद के कार्यक्रम को संबोधित करेंगे और इस कैंपेन को फॉर्मली कंक्लूड करेंगे, जिसका पर्पज यह है कि पूरी दिल्ली में एक बज क्रिएट होगा, पूरी दिल्ली एक साथ एक कॉमन पेज पे आ जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी जब हार से घबरा रही है, जब भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल जी की गवर्नेंस का कोई जवाब नहीं ढूंढ पा रही है, जब भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी के नेताओं की कट्टर ईमानदारी से, देशभक्ति से परेशान हो रही है, तो ये उनको तोड़ने खरीदने की कोशिशों को नाकाम होने के बाद उनको दबाने की, जेल में डालने की साजिश रच रही है। और उसी क्रम में अब उनकी नज़र जो अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर है ये जनता तक पहुंचेगा और मुझे लगता है कि इसके पहुंचने के साथ ही भारतीय जनता पार्टी का काउंटडाउन शुरू होगा। क्या आप लोग ये भी आशंका है कि 3 जनवरी को जो नोटिस है, अगर अरविंद केजरीवाल जाते हैं तो उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, और उसे जोड़ते हुए आप लोगों के बीच जाएंगे? देखिए, हमको तो छोड़िए, जिस दिन पहली बार नोटिस आया था ईडी का, उसके एक दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के सांसद महोदय खुद उद्घोषणा करते हुए फिर रहे थे कि अब अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया जाएगा। तो ये इस तरह के सवाल तो अरविंद केजरीवाल जी ने भी ईडी को लिखे पत्र में पूछे हैं, जिसका जवाब किसी को नहीं मिल पाया, हमें भी नहीं मिल पाया, आप लोगों को भी नहीं मिल पाया होगा। तो भाजपा तो ये चाह रही है और लगातार सस्वर इसका पाठ भी कर रही है कि इनको तुमको गिरफ्तार करना है। तो ये वो कहते हैं कि वो अपनी कोशिशें कर रहे हैं, यहाँ आम आदमी पार्टी और दिल्ली की और देश की जनता उनकी कोशिशों को नाकाम होता हुआ देख रही है, उनके भय को बड़ा होता हुआ देख रही है। और ये सब कुछ जो हो रहा है वो भारतीय जनता पार्टी आगामी लोकसभा के चुनाव में हार की प्रत्याशा से कर रही है, ये भी अब धीरे धीरे नीचे तक स्पष्ट हो चुका है।